ओम शांति। हम इस धरा पर महान आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। हम इस सृष्टि का श्रृंगार हैं। सभी अपने श्रेष्ठ स्वमान को महसूस करें। हम साधारण नहीं हैं, परम पूज्य हैं। जबकि हमारी जड़ मूर्तियों की भी इतनी मान्यता है, तो हम चेतन में तो उससे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हमारी पवित्रता हमारी पूज्य स्थिति का आधार है, और हमारी पवित्रता इस सृष्टि के लिए वरदान है, प्रकृति के लिए सूक्ष्म शक्ति है, संसार में सुख शांति स्थापित करने का आधार है। हमने भी बाबा के साथ इस संसार में अवतार लिया है, यहाँ पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, इस धरा पर सुख शांति स्थापित करने के लिए, ताकि हवाओं में भी चैन हो जाए, ताकि हवाएं भी सुखद हो जाएं, ताकि हर व्यक्ति यहाँ सुख चैन की बंसी बजा सके, क्योंकि ये सारा संसार हमारा ही परिवार है। हमें अपने इस बेहद परिवार की निरंतर पालना करनी है। अपने इस महान कर्तव्य को सदा याद रखें। ये परम आवश्यक है कि हमें अपने महान कर्तव्य स्मृति में रहें। कर्तव्यों की विस्मृति हमें स्थिति से नीचे ले आएगी। आज जरा याद रखें, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मैं इस परिवार की पूर्वज हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। मेरे परिवार में कोई भी दुखी न हो, कोई भी परेशान न रहे, कोई भी रोता न हो, कोई भी भूखा न हो, कोई भी चिंताओं की अग्नि में न जलता हो, कोई भी एक दूसरे को कष्ट न पहुंचाता हो, यहाँ श्रेष्ठ कर्मों की गंगा बहती हो, ऐसा महान कर्तव्य मुझे करना है। तो मुझे अपनी स्थिति को सदा ही बहुत ही महान बनाए रखना है। मैं साधारण बातों में, साधारण संकल्पों में, साधारण कार्यों में रहकर अपने इस महान कर्तव्य को कैसे भूल सकता हूँ। ये महान कर्तव्य की स्मृति हमें बहुत ऊंचा उठा देगी। तो सभी गहराई से एकांत में स्थित होकर चिंतन करें, मेरा कर्तव्य कितना महान है और मेरी स्थिति कैसी है, मुझे करने कितने महान कार्य हैं और मेरे संकल्प कैसे हैं। जिनके संकल्प साधारण होंगे, जिनके बोल साधारण होंगे, जो ऐसे ही साधारण रूप से जीवन चलाते होंगे, वो भला ऐसे महान कार्य कैसे कर सकेंगे। जो इस संसार की समय पालना करेंगे, वही संसार के मालिक बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ। ये सदा स्मृति रहने से हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा सर्वात्माओं की स्वतः ही पालना भी होती रहेगी। तो आइए आज हम सभी इन दोनों स्वमान के नशे में सारा दिन रहेंगे। मैं पूज्य हूँ और मैं पूर्वज हूँ, और संसार को सकास देंगे। अपने पूर्व पूज्य स्वरूप में स्थित होकर ये सीन देखेंगे। मेरे सामने हजारों करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, जो मेरे द्वार पर आई हैं, जो मुझसे सुख शांति मांग रही हैं। अब मेरे ऊपर बाबा की किरणें पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। तो आज सारा दिन हम लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर रहेंगे, ताकि संसार को
हमसे गुड वाइब्रेशंस मिलते रहें। विधि यही, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति।